गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में, सेवन सिस्टर में। प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज बहुत जल्दी स्कूल बुलाया है इन लोगों को, अब रीजंस नहीं पता। मैम ने बस बोला था, मैसेज ड्रॉप किया था कि आज जल्दी पहुँचने बच्चों को स्कूल। एवरी फ्राइडे बोलते बट रीज़न बताया ही नहीं है क्यों, और मैंने भी पूछा नहीं। तो आप देख सकते हो, मतलब सुबह तो हो गई है बट कंपेयर टू नॉर्मल डेज मतलब थोड़ा जल्दी है। आज आधा घंटा पहले हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। गाइस, ये है मेरे किचन की हालत फ़िलहाल। सुबह जल्दी जल्दी के फटा चक्कर में मैं साफ़ नहीं करवाया। मैं इन सबको मैं क्लीन करूँगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी, नाश्ता करूँगी, फिर मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद अभी मैं साथ के साथ में खाना भी बना लूँगी, साथ के साथ एक घर भी साफ़ कर लूँगी। हो जाएगा मेरे एक दो घंटे में हो जाएगा सारा काम। और ये देखो, बेटे ने दूध पिया था, ये भी यहाँ पे भी पूरा उसने दूध गिरा दिया। चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़े ही देर में, इन सबको सफाई करने के बाद। तो गाइस, मैं इस वक्त बना रही हूँ, कैमरा कैसे लगाया है ऐसे, ठीक है। तो मैं इस वक्त बना रही हूँ चाय अपने लिए। तो मैं काम वाम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो मैंने कहा चाय मैं क्या करती हूँ, अदरक छिलके मैं एसी के अंदर कूट देती हूँ मैं। गाइस, मुझे छींक आती है तो कंटिन्यूसली आती। फिर मेरे घर में चाय खाली मैं ही पीती हूँ और कोई नहीं है पीने वाला, तो मेरे को चाय पार्टनर भी नहीं है, मैं अकेले ही पीती हूँ। हस्बैंड बिल्कुल भी चाय नहीं पीते, वो कॉफ़ी कभी कभार पी लेते हैं। वो एक्चुअली उनको गैस्ट्रिक का थोड़ा इशू है, तो थोड़ा सा वो अवॉइड करते हैं वो। गाइस, मैं तो उसकी मैं हस्बैंड के एकदम अपोजिट हूँ। मुझे तो चाय का एकदम एडिक्शन है, बिना चाय का तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे तो सुबह शाम चाय चाहिए। और गाइस, ये ना सौफ है, मेरे कोई मेरे पापा ही लगते हैं, एक अंकल है, मैं आपसे मिलवाऊंगी उन्हें कभी। वो ना चाय में सौफ डालते, वो आपसे बहुत से लोग डालते होंगे बट मुझे नहीं पता था कि चाय में सौफ डालते, तो उन्हीं से मुझे पता चला। तो मैं हल्का सा डाल देती हूँ, इससे टेस्ट ना बढ़िया आ जाता है, थोड़ा सा टेस्ट मतलब चेंज हो जाता है इससे काफी। गाइस, एक और बात, अब मुझे पता चल रहा है यूट्यूब जर्नी जो होती है, मतलब यूट्यूब की शुरुआत करना, उस वो जो दौर होता है सक्सेस को टच करना, यूट्यूब में इतना आसान नहीं है। इसमें लगातार लगे रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी लोग सक्सेस होते हैं। कई बार जब तो हमारे व्यूज़ नहीं आते, कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है, कई बार नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं, कई बार अचानक से सब्सक्राइबर डाउन हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अब मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है, और आई होप आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया अब तक, इतना तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है ना व्यूज़ आ रहे हैं, बट मैं मेरे को ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में इससे ज़्यादा बेटर होगा मेरे साथ, इससे ज़्यादा बेटर होगा मेरे साथ, मतलब मुझे और ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे और आप लोग व्यूज़ मेरा बढ़ाओगे, क्योंकि आप दिखोगे तो तभी मेरा व्यूज़ बढ़ेगा। तो मैं अभी अपने लिए रोटी बनाने जा रही हूँ। मैं सोचूँ मैं पराठे ही बना दूँ अपने लिए, या मैं रोटी बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। मैं रोटी बना लेती हूँ, पराठा तो मैंने कल भी खाया था। चलो गाइस, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर। गाइस, मेरी बन चुकी है चाय। मैंने यहाँ पे चीनी, मैं चीनी पहले नहीं डालती हूँ, क्योंकि पहले चीनी जब हम ज़्यादा उबाल देते हैं ना चाय के साथ, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैंने इसी में चीनी डाल दिया है, एक ग्लास में ही। ये मैंने चाय डालने से पहले मैंने चीनी डाल दिया था, थोड़ा वो डाल देती हूँ, अंदर ज़्यादा चीनी हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी चीनी को उबालते हैं तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अदरवाइज़ आपको पहले चीनी डालना ही है, तो पहले आपको चाय को जितना उबालना वो उबाल देना, उसके बाद जब आप चाय उतारने वाले होंगे उससे दो तीन मिनट पहले आप चीनी डाल सकते हो, तब वो चीज़ ठीक है। बट पहले से स्टार्टिंग में पानी में चीनी डाल के उबालते रहना, वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये रही मेरी चाय रेडी है, मेरी सुबह नाश्ते के लिए, जो मैंने लंच के लिए अपने बेटे के लंच के लिए बनाया था, मैं वही रोटी के साथ खाऊंगी। ये होगा आज का मेरा नाश्ता। गाइस, बेटा आ चुका है स्कूल से, मैंने उसको खाना दे दिया है। यार बाबू, इसको तो ढंग से रखा करो यार तुम लोग,
से खिला देती हूँ। मैंने जल्दी से खा लो, और ये भी खाना खाने जाएगा मेरा ब्लू, ये खाना खाने जाएंगे। मैं पापड़ तल पापड़ तल दूँ सोच रही हूँ मैं। ये गाइस जो मैंने हरी मिर्ची की चढ़ा ली थी, मस्त है मस्त। जाऊंगी भी पापड़, अरे भैया इसको भी नहीं लेना था। नमक कहाँ चला गया, दाल में थोड़ी सी नमक कम लग रही है मेरे को। यह है मसूर दाल, तूर दाल नहीं सॉरी मसूर नहीं, अरहर की दाल। तो आज का हमारा खाना है तूर दाल, राइस, चटनी एंड ये मिर्ची का अचार एंड ये पापड़। इसने तो खाना फिनिश करिए, बाउल में खाता ही है। तो अब हम जाएंगे भी खाने के लिए। अरे यार ये क्यों उसको बार बार टेढ़ा कर देते हो यार, बहुत ही गिरेगा, अभी गिरता ये दाल पलट के। बने बेडरूम को लाइट ऑफ कर बेटा, ये दाल। मिर्ची भूख लग गई इसको। मेलविन, मेलविन फोन रख के सो जाओ, बहुत उसको बोला कर रहा है तू। तेरा उंगली नहीं आ रहा कैमरे पे, आ रहा है भाभू तूने तिरंगा। मैंने तो खाना खा लिया मेरा प्लेट। मैं बोल रही हूँ कि तूने ऑरेंज कलर क्यों पहन रखा है यार, ऊपर से डार्क कलर। तुझे दिया किसने था वो? गुरु भाई ने। किसको अंटाया था उन्होंने? गुरु भाई ने दिया था इन्होंने मुझे, उनको मैंने कुछ दिया था गिफ्ट में, तो उन्होंने भी मुझे दिया था। अच्छा, तूने गिफ्ट में दिया था? नहीं, उन्हें शायद कोई कोई चप्पल पसंद आया था तो उनको मैंने दिया था, तो वो अगले दिन बिना बोले ही लेके आ गए। है तो वो दिलदार है, सही है यार। आज हमने खाली दाल और पापड़ और चटनी खाया है, हम दिन में सिंपल खाते हैं, तुम भी सिंपल खाया करो। बट इन्हें पसंद नहीं है ना, हमें तो नॉन वेज चाहिए। मेलविन चलो फोन रखो, बाबू उसको बोल ना, फोन रख। सुनाई नहीं दे रहा, क्या हुआ? तू मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है ब्लू? थोर कहाँ, थोर कहाँ? ये रहा थोरू, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा थोरू। देखा भी कैसे कूदेंगे क्या? ए मत कर, बाहर चले हैं, हाँ? चले बाहर, चलो लीश कहाँ, लीश, चलो चलते हैं, चलो चले बाहर। चले बाहर, बाहर चले। अरे अरे भाई क्या कर रहा है? चले ब्लू, बहू खाने के ऊपर कूद जाएगा, मत कर। चले बाहर, हाँ बाहर चले घूमने चले, हाँ। अरे अरे अरे